Hey guys, what's up? Nil here. आप देख रहे हैं SL Editz. आज मैं आप लोगों को Lightroom का एक टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम लोग ज़्यादातर इग्नोर कर जाते हैं. लेकिन ये टूल बहुत ही काम का है एंड बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना. उस टूल का नाम है टारगेट एडजस्टमेंट टूल, जो फोटो का कलर ग्रेडिंग में हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम कम कर देता है. ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. पूरा का पूरा जो टूल्स का डिटेल्स है सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना. एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना. तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए. सबसे पहले आप लोगों को आपका जो फोटो है उसको Lightroom में इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है गाइस, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में थर्मामीटर वाला आइकन, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर देख सकते हो मिक्स टूल वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे. ठीक है गाइस, उसके बाद देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, ये है टारगेट एडजस्टमेंट टूल. ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को तीन ऑप्शन दिखेंगे, एक ह्यू, सैचुरेशन एंड एक ल्यूमिनेंस. ठीक है गाइस, तो ह्यू से हम क्या कर सकते हैं, ह्यू से हम कलर चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन से कलर ज़्यादा या कम कर सकते हैं, एंड ल्यूमिनेंस से हम कलर को जो ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम फोटो में कौन से कलर के ऊपर काम करने वाले हैं. तो मैं यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर काम करने वाला हूँ. ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करूँगा. देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पर सबसे पहले ह्यू पर सिलेक्ट करके ग्रीन कलर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ. देख सकते हो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर येलो एंड ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया है. देख सकते हो गाइस, उसके बाद हम जो हमारा फिंगर्स है उसको राइट साइड पे करेंगे तो ह्यू इंक्रीज होगा, एंड अगर लेफ्ट साइड पे करते हैं तो ह्यू डिक्रीज होता है. ठीक है गाइस, देख सकते हो. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज करना पसंद करूँगा, तो मैं यहाँ पर कुछ डिक्रीज कर देता हूँ 90 के आसपास. ठीक है गाइस, उसके बाद मैं यही कलर का सैचुरेशन यानी कि जो कलर होता है उस कलर का कलर ज़्यादा करना चाहता हूँ, कलर अमाउंट ज़्यादा करना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सैचुरेशन पे क्लिक करूँगा एंड देन फिर से वही कलर पे सिलेक्ट करके राइट साइड पे करूँगा. तो देख सकते हो गाइस सैचुरेशन इंक्रीज होता है, एंड अगर लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो गाइस उसी कलर का जो कलर अमाउंट है वो कम हो जाता है. ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना पसंद करूँगा, तो देख सकते हो गाइस प्लस 61 कर दिया. ठीक है गाइस, उसके बाद ल्यूमिनेंस पे क्लिक करके उसी कलर का जो ब्राइटनेस है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा. ठीक है गाइस, देख सकते हो अगर राइट साइड पे करता हूँ तो ज़्यादा होता है ल्यूमिनेंस यानी कि ब्राइटनेस, एंड अगर लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो देख सकते हो गाइस वही कलर का जो ब्राइटनेस है वो कम होता है. ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा. ठीक है गाइस, तो ये कलर का काम तो हो गया. उसके बाद देखना होगा फोटो में और कौन सा कलर है. देख सकते हो गाइस जो मॉडल का फेस है वहाँ पर कलर है. ठीक है, तो हमको मॉडल का फेस पर क्लिक करना होगा. ठीक है गाइस, तो मैं मॉडल का फेस पर क्लिक कर देता हूँ. देख सकते हो गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक जो रेड एंड ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लिया है. इसका मतलब क्या है, फोटो में जो फेस है वहाँ पर रेड एंड ऑरेंज कलर है. ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर तो ह्यू को नहीं चेंज करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिनेंस को चेंज करूँगा जिससे हमारा मॉडल का फेस थोड़ा सा वाइट हो जाए. ठीक है, तो मैं यहाँ पर मॉडल का फेस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन राइट साइड पे करता हूँ तो देख सकते हो गाइस ल्यूमिनेंस इंक्रीज होता है, एंड लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो ल्यूमिनेंस डिक्रीज होता है. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना पसंद करूँगा, इससे मॉडल का फेस का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा. देख सकते हो मॉडल का फेस ब्राइट हो गया है. उसके बाद और क्या है, पीछे जो स्काई है उसका कलर को हम चेंज कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ह्यू पे क्लिक करके देख सकते हो गाइस मैंने पीछे क्लिक कर दिया. देख सकते हो यहाँ पर कलर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, सियन कलर एंड जो ब्लू कलर. ठीक है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ. देख सकते हो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद आता है. ठीक है, तो कर दिया. उसके बाद सैचुरेशन, पीछे का जो स्काई का कलर है इसको सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, इससे अच्छा लगता है. उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया. ठीक है गाइस, तो देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा का सारा जो कलर है वो ऑटोमेटिक ले रहा है. ये बहुत ही एक अच्छा टूल है. ठीक है गाइस, तो देख सकते हो बहुत ही जल्दी जल्दी से हमने मिक्स टूल का यूज़ किए बिना ही इसको कलर ग्रेड कर लिया. तो वीडियो में इतना ही था. अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कर देना एक लाइक, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, बी कूल बी क्रिएटिव.